कल 14 सितंबर 2020 से संसद के मॉनसून सत्र का प्रारंभ हो गया। तो कल सत्र का पहला दिन था और शिक्षा मंत्री से एक क्वेश्चन पूछा गया, अलग अलग संस्थानों में शिक्षकों के और गैर शिक्षकों के कितने पद खाली हैं और सरकार उनको पदों को भरने के बारे में क्या कर रही है, क्या स्टेप उठा रही है। तो काफी जानकारियां उनमें मांगी गई थी, तो शिक्षा मंत्री की तरफ से संसद में जवाब दे दिया गया। तो उसमें से काफी सारे आंकड़े निकल के आए हैं जो आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर किए जाएंगे। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें और टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो ये देखिए, ये कल एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 208 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन लोकसभा वैकेंसीज इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। श्री रविंद्र कुशवाहा जी की तरफ से एक क्वेश्चन पुटअप किया गया है, विल द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बी प्लीज टू स्टेट, क्वेश्चन पूछे गए हैं द डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज इन वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री। दूसरा क्वेश्चन है द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट टू द सेड पोस्ट, और तीसरा है द रीजन फॉर डिले टू फिल अप द सेड पोस्ट यूनिवर्सिटी वाइज एंड एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट देयर टू। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे और ये आंसर दिया गया है नीचे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा, जो कि आप यहां इस न्यूज में भी देख सकते हैं। देश के 42 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल 18,647 पद खाली पड़े हैं, इनमें से शिक्षकों के 6,210 और शिक्षेतर कर्मचारियों के 12,437 पद शामिल हैं। इसके अलावा 3 केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों में भी 168 पद खाली पड़े हुए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोमवार को संसद में एक प्रश्न के जवाब में बताया, 1 सितंबर 2020 तक 42 केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 6,210 पद और गैर शिक्षकों के 12,437 पद खाली हैं। इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू में 196 शिक्षकों के और 1,090 गैर शिक्षकों के पद शामिल हैं। तो 6,210 और 196, इनको आप जोड़ेंगे तो इतने शिक्षकों के पद खाली हैं। और यहाँ भी इन 168 में भी कुछ टीचर्स की वैकेंसियां जरूर से जरूर मिलेंगी संस्कृत विश्वविद्यालयों में भी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रिक्तियों का होना और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है, शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी विश्वविद्यालयों के साथ निरंतर निगरानी करते हैं। यूजीसी ने 4 जून 2019 को विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को खाली पदों को भरने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके तहत चयन प्रक्रिया और भर्ती के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। खाली पदों को भरने का काम विश्वविद्यालय को स्वयं करना होता है। तो ये है दोस्तों एक अपडेट, कुछ आंकड़े हमें और मिल गए हैं। ये वैकेंसियां सिर्फ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं ऑल ओवर इंडिया में उन्हीं में खाली हैं, बाकी स्टेट यूनिवर्सिटीज का हाल तो आपसे छिपा नहीं है और अलग अलग जो शिक्षा बोर्ड हैं उनमें भी काफी ज्यादा वैकेंसियां खाली हैं शिक्षकों की। बाकी केंद्रीय विद्यालयों में भी रिक्रूटमेंट आनी है टीचर्स की। तो कोई भी किसी प्रकार की अपडेट हम तक पहुंचेगी टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई, हम सबसे पहले आप तक पहुंचा देंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।